नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। छतरपुर विधायक नीरज दीक्षित का ऑडियो वायरल। पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह, गुर्दन पाठक, भंवर राजा के लिए कर रहे गाली गलौच। चुनाव के पहले सामने आया गालीबाज विधायक का चेहरा। जनता से अभद्र बातचीत से क्षेत्र में हो रही किरकिरी। चुनाव के ठीक दो दिन पहले महाराजपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान विधायक नीरज दीक्षित का एक सनसनीखेज ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह ग्राम सरसेड़ के एक ग्रामीण से बातचीत करते हुए धौंस देते हुए सुनाई दे रहे हैं। बातचीत के दौरान विधायक इस तरह मदहोश हो गए कि उन्होंने परलोक से धर चुके पूर्व भाजपा विधायक जितेंद्र सिंह सहित गुड्डन पाठक और भंवर राजा को भी गाली गलौच कर डाली। इन वरिष्ठ नेताओं को गालियां देने के बाद भी नीरज दीक्षित थमे नहीं। चुनाव के ठीक पहले वायरल हुए इस ऑडियो से पूरे विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। विधायक नीरज दीक्षित का गालीबाज चेहरा और अभद्र भाषा शैली उजागर हुई है क्षेत्र में। हालांकि इस मामले में विधायक का पक्ष सामने नहीं आया है। उनके समर्थक बताते हैं कि यह ऑडियो लगभग 6 माह पुराना है, जब एक ग्रामीण से बातचीत करते हुए नीरज दीक्षित नाराज हो गए थे और उन्होंने इस ग्रामीण को धौंस देते हुए कई नेताओं को अभद्र गालियां दे डाली थी। उल्लेखनीय है कि विधायक नीरज दीक्षित के साथ कई कांग्रेसी नेता काम नहीं कर रहे हैं। इंडिया न्यूज 28 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सागर डिवीजन हेड गजेंद्र साहू की रिपोर्ट। हाँ, नंदू राजा बोल रहा सासेरसन भाई साहब, चैन छुआ पहुँचा दादा। जय 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 भाई साहब, चैन छुआ पहुँचा। बोलो नंदू। जाके भाई साहब टिया साहब धमकी दे, बोले टिया राजेश पटाया हाँ और लक्ष्मण हाँ कह देते आओ। अच्छा सुना हुए। हाँ ठीक है दादा, और आप खान तनक सेवा का मौका दो हम। हाँ को हैं को सेवा को इतिया है, समझा दो ना कज्जू का है, ऐसा ऐसा ना कहो तुम। अरे कह दे रहे काय चिंता कर तुम। हाँ भाई साहब जाके भाई साहब। हाँ जीतन सिंह नन्या ही अपनी बुंदी लाज उन खत्म हो गए। हाँ सायसेन में उनमें तो धुआं घर गई, लेकिन अब समझो बात कहाँ। अब कैसा जीतन सिंह बुंदेला जी भाजपा के हते जोन विधायक रहे, उनमें जिनमें भंवर राजा को हाथ रहा उनमें धुआं खल गई भाई साहब। सुनियो यही से हम आपके चरणन में आए आपका। कहाँ होगा वो? अरे जब राजेश पटाया लक्ष्मण बुलाए देखे ते आओ थाने में बुलाए तो कौन फांसी दे दे। हाँ ठीक है भाई साहब, एक तो राजनीति। हाँ उनकी जवाब तो सही है आपकी भाई साहब। तुम देवत क्या कर रहे? हाँ भाई साहब जी, भाई साहब है ना, हम कह दे उनसे कि हम कह दे दूर लगा दी तो दूर लगा गोली मार दे भी औकात बहुत से चाहने उसका लेने में जी। भाई साहब, भाई साहब हमारी तो सुन लो ना। नहीं जो ऊट पटांग बात हमसे नहीं किया करो। जीतन सिंह दूरा घर गई थी, दूरा घर कर दिखा गई मैं ताकत। अरे आपके नाम हम बहुत ज्यादा ही दुखी, हमने हमने छेड़ा ये मार करी। अरे हम ऐसे नहीं पार्टी कर रहे। अरे नहीं भाई साहब, आपके नाम थोड़ी कह रहे जी भाई साहब, दादा आपके नाम नहीं कह रहे हम। हम दब बंजू वाली नहीं कह रही जी भाई साहब। आप हमारी क्वालिटी नहीं समझत का आप सैसेड़ में? नहीं तो तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? अरे भाई साहब ये कहा है कि समझो बात कहाँ आप कहा समझने हमें नहीं कहने लोगों से जी भाई साहब। नहीं काम भी करें तुम उनके फोन भी उठाइए सुनिए भी, ऊपर दबाव तो दे रहे। नहीं हम नहीं दे रहे दबाव भाई साहब। भाई साहब हमारे चैन छुआ पहुंचे आप कहा हाथ जोड़ के निवेदन मूड धा के पाँव पड़ रहे, आपकी गलती होने। नहीं तुम्हारे काम करा रहे हम, कौन कौन नहीं कर रहे, कौन सा काम नहीं हो तुम्हारा बताओ पहले हमें। अरे नहीं हमारा काम भाई साहब, हमारा काम आप करवा दो एक थोड़े। हाँ तो हम आपके चैन छुए पहुँचे मूर्ध है पाँव पर रहे दिन में पीले सबरे दारू है जो सब बता। अरे हमें भाई साहब हम नहीं पिया था, भगवान की कसम आपकी कसम खा गए क्या है, हम इतनी बड़े माजा हमारे दो हैं लाल दो लायक है हमारे। तुम्हारा काम हो काम बताओ, हमें दुनिया की पंचायत नहीं सुनने।
जीतन सिंह और फलाने सिंह और मानवन सिंह, मानवन सिंह सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है आपकी। जय भारत माता की जय। तो काम बताओ, काम कहा है तुम्हारे? जो हम दादा हम जो कहे टी आई साहब आए थे, फोन आओ तो राजेश पटाया कह रही कठिन आओगे। हाँ ठीक है भाई, हमने एक बार कह रही। हाँ जी, बताओ करता दसवीं कौन जी दादा।